ओ भाई चल घूमा गिरेगा। ओ भाई हेलो दोस्तों, जय जयनाथ। मेरा नाम राहुल कुमार फ्रॉम तालचा सिटी ओडिशा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरके ब्लॉगर। दोस्तों आपको मैंने कल कहा था कि आज मैं जाऊंगा भुवनेश्वर कुछ काम से, लेकिन आज क्या हुआ ना, सुबह मैं उठा, फिर घर का काम खत्म करते करते हो गया टाइम एक, उसके बाद पूरा सब कुछ रेडी करते करते 2 बज गया। तो भुवनेश्वर में जो सारे दुकानें हैं वो सब बंद होता है 5 बजे, तो 3 घंटे में पहुंच के कुछ फ़ायदा नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कल जाऊंगा। तो आज हम लोग बस ऐसे आ गए एक और जगह घूमने के लिए। तो ये लोकेशन देखिए, यहाँ पे एक भगवान जी का मंदिर है और इस तरफ कोल माइंस है, तो मैं आपको अभी दिखाऊँगा। और दोस्तों जैसे कि मैं आपको कल बताना भूल गया था कि हमारा ओडिया चैनल आ चुका है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, OITV ओडिया। और नया वीडियो भी आ चुका है, ओडिया वीडियो फर्स्ट टाइम हमने बनाया है, और करण और असित हमेशा की तरह मेरे साथ है। और अभी देखिए व्यू, देखिए कहाँ पे है हम लोग। दोस्तों इधर का व्यू आपने देख लिया जो कि काफ़ी मज़ेदार है। तो अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि उस तरह जाने के लिए, लेकिन बीच में एक छोटा सा खाई है, तो देखते हैं हम लोग पार कर पाते हैं या नहीं। ट्राई करते हैं ना, क्या बोलते हो? नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, छोटा सा खाई है बस। पार हो जाएगा मेरा लगता है, ये बीच में घास उस है तो पता नहीं चल रहा कि कितना अंदर है, तो इधर से में भी रास्ता होगा। यहाँ बीच में बहुत गड्ढा है। अरे इधर से है, अरे इधर से है रास्ता है। ये लोग कब से वहीं पे ढूंढ रहे रास्ता। चल पानी अल्टी मार। ओ भाई चल घूमा गिरेगा। ओ भाई कैसे, मतलब ऐसा हिप्नोटाइज ऐसा लग रहा है। दोस्तों वो जगह देखिए कैसे कटिंग किया गया एकदम, रिंग 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 ऐसे पानी से कटिंग, पूरा स्टेप स्टेप स्टेप। दोस्तों यहाँ कम से कम गहराई होगा कम से कम मेरे ख्याल से 80-90 फीट। हाँ ज्यादा होगा, ज्यादा होगा बे, 150 रुपया देगा। नहीं ये ज्यादा है। तो गाइज ये जो माइंस है ना, इस जगह का नाम है भुवनेश्वरी माइंस, और ये हमारे तालचेर में आता है। सो चलो गाइज, यहाँ पे ज़्यादा टाइम रुकना मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो जगह है ना ये कभी भी खिसक सकता है, तो थोड़ा डर है अंदर से। चलो भाइयों तो फिलहाल हम जा रहे हैं एक और लोकेशन पे, एंड देखते हैं कि उधर का व्यू कैसा है, एंड जो भी होगा आपको दिखाएंगे। मुर्गी मुर्गी, ये बत्तख है, बत्तख।
सो इधर से रास्ता नहीं है, है रास्ता लेकिन रास्ता बहुत ही ख़राब है, ट्रक चल रहा है उधर से, तो इधर से जाना सेफ्टी नहीं है। तो जिधर से हम लोग आए थे उसी रास्ते से जाएंगे। अभी हम लोग जहाँ से जा रहे हैं ये सड़क है और बाजू में खाई, पूरा खदान है इस तरफ। यहाँ पे थोड़ा डर लग रहा है मुझे, ट्रिपलिंग बैठे हैं और कुछ हो गया बाई चांस तो सीधा काले हो जाएंगे। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? सो गाइज फिलहाल आपके सामने है भुवनेश्वरी माइंस। अभी यहाँ पर एक और डेंजर जोन है, ये देखिए रास्ता एकदम काला काला हो गया। अभी दो दिन से बारिश नहीं हुआ है इसलिए थोड़ा कीचड़ कम है, नहीं तो इधर मतलब चलने के लायक क्या, मतलब बाइक साइकिल से भी आप ठीक से नहीं जा सकते। और यहाँ पे क्या बन रहा है ठो? ये पता नहीं क्या है, कोयला स्टोर करने के लिए। तेरे को मालूम है कि नहीं, ठीक से बोल। अच्छा, और ये कन्वर है कोयला एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए। इसके ऊपर चले गए, इसके ऊपर कार्ड एकदम पीट पीट के भगा देंगे। तो फिलहाल हम खाएंगे पानी पूरी। तो तेरे को एक झक्कास चीज दिखाओ क्या? क्या? चल देख आज सुबह क्या किया कुत्ते ने। इसको काट के पूरा ये पूरा चुना चुना कर दिया है, इसको पूरा चेंज करना पड़ेगा, इसको पूरा यहाँ से ये काला लगे हाथ में। इसको काटा, इसको किन्हों काटा? करण, करण का भाई ने काटा ये। लो इसको फिर मुझे नया लगाना पड़ेगा। ओके गाइस, तो अभी थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है और देखिए यहाँ से आपको मालूम चल जाएगा। और टाइम हो रहा है इधर ब्लॉग को ख़त्म करने का और करण चाय लेकर आए हैं और हम लोग हर बार की तरह चाय पीकर अपने ब्लॉग को खत्म करेंगे। कैसा है? चाय बढ़िया। इसने तो पिया नहीं बोल रहे हैं। अच्छा है। मैं तो पी लिया ना। गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल है। ए झेला से बुत तोड़ जी मिसरो खिला थोड़ी जाओ सुमा ग्रेला तंग को चीजें कोड़ी वाला कर। सो कल मैं ट्राई करूंगा कैसे भी करके सुबह जल्दी उठकर अपना घर का काम खत्म करके निकल जाऊंगा और जो सरप्राइज है भुवनेश्वर से जो लाऊंगा तो वो मैं आपको कल वाले ब्लॉग में बताऊंगा। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ फिर आपको कल एक और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।